इंदौर में कुछ दिन पहले कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई तो भोपाल में लोगों को उमस के कारण परेशान होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिन तक सिर्फ नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर में ही कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति रहेगी। इसके अलावा प्रदेश भर में बारिश की संभावना नहीं है। 26 जून से बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी, जिसके बाद 27 जून से बारिश का दूसरा दौर शुरू होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 28 से 29 जून को मानसून सेट हो सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक मानसून समय पर चल रहा है, हालांकि उज्जैन में मानसून लेट है, ये करीब 1 सप्ताह पीछे हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति समय पर है। 3 दिन तक प्रदेश में बादल तो छाएंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। मध्य पूर्वी अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियों के साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय हैं। साथ ही दक्षिणी गुजरात से कर्नाटक तट के समानांतर एक ट्रफ बना हुआ है। झारखंड के आसपास भी चक्रवात सक्रिय है, जिससे होकर विदर्भ तक अन्य ट्रफ लाइन जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से गुजर रही है। जून के तीसरे सप्ताह में जोरदार बारिश हुई, लेकिन गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी है। मानसून के 2 दिन के ब्रेक के कारण अब प्रदेश में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार को कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर और राजगढ़ में ये 40 डिग्री से अधिक रहा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का पारा 36 डिग्री मापा गया। सिर्फ पचमढ़ी में सबसे कम 30 और बैतूल में 31 डिग्री रहा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। इंदौर में कुछ दिन पहले कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई तो भोपाल में लोगों को उमस के कारण परेशान होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिन तक सिर्फ नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर में ही कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति रहेगी। इसके अलावा प्रदेश भर में बारिश की संभावना नहीं है। 26 जून से बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी, जिसके बाद 27 जून से बारिश का दूसरा दौर शुरू होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 28 से 29 जून को मानसून सेट हो सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक मानसून समय पर चल रहा है, हालांकि उज्जैन में मानसून लेट है, ये करीब 1 सप्ताह पीछे हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति समय पर है। 3 दिन तक प्रदेश में बादल तो छाएंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। मध्य पूर्वी अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियों के साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय हैं। साथ ही दक्षिणी गुजरात से कर्नाटक तट के समानांतर एक ट्रफ बना हुआ है। झारखंड के आसपास भी चक्रवात सक्रिय है, जिससे होकर विदर्भ तक अन्य ट्रफ लाइन जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से गुजर रही है। जून के तीसरे सप्ताह में जोरदार बारिश हुई, लेकिन गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी है। मानसून के 2 दिन के ब्रेक के कारण अब प्रदेश में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार को कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर और राजगढ़ में ये 40 डिग्री से अधिक रहा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का पारा 36 डिग्री मापा गया। सिर्फ पचमढ़ी में सबसे कम 30 और बैतूल में 31 डिग्री रहा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।